नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 के मॉर्निंग सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मॉर्निंग सेशन में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो आप मॉर्निंग 9:30 सोमवार से शुक्रवार आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को प्रॉपर मार्केट खुलने से पहले मार्केट की संबंधित जानकारी आपको दी जाती है, जिसके अंतर्गत खाद तेल बाजारों की जानकारी, लोहा बाजार की जानकारी, मेटल बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, साथ ही सोने चांदी के बारे में जानकारी आप लोगों को विस्तार से रोजाना दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे खाद तेल बाजारों में क्या हलचल है, खाद तेल बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है, खाद तेल बाजारों में आप किस तरीके से बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी के साथ आप लोगों के साथ मैं अजय सिंह उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरीके से खाद तेल बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो खाद तेल बाजारों में जैसे कि देखा गया, जो एक सरसों में लगातार जो गिरावट आ रही थी, सरसों का एक मूल्य निर्धारित किया गया कि 5450 रुपये के आसपास हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय में सरसों की परचेजिंग 1 अप्रैल से करेगी। तो इसका इम्पैक्ट बाजारों में थोड़ा सा, बाजारों में एक तरफा जो गिरावट आ रही थी वो बाजारों में थोड़ा सा रुकावट दिखाई दी। और बाजारों में आप देख के चल सकते हैं, जो मार्केट में अगर आप देखेंगे मार्केट में किस तरीके से फिजिकल बाजारों में कामकाज हो रहा है, फिजिकल बाजारों में लगातार सोया ऑयल में बाजारों में गिरावट है। कल राइस ऑयल में बाजारों में हल्की सी एक बढ़त के साथ कामकाज हुआ। सोया ऑयल की अगर बात करेंगे 106 रुपये से 7 रुपये पे बाजारों में, लोकल बाजारों में भाव हो गया। अगर आप बात कर लेते हैं पामोलिन की, तो पामोलिन का भाव 98 रुपये पे स्थिर बना हुआ है। पामोलिन का बाजार मैं जैसे कि आपको लगातार बताया हुआ, पामोलिन में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गिरावट के आसार ऑलरेडी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गिरावट नहीं आनी। अगर बाजारों में कहीं पर आपको करेक्शन मिलता है तो आप खरीदारी करिए। राइस ऑयल का भाव 87 रुपये के आसपास बाजारों में कल कामकाज हुआ। राइस ऑयल में भी नियर अबाउट आप 82 से 84 की रेंज में एक बॉटम होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बॉटम लेवल बाजारों में सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो राइस ऑयल में आप सोच के चलें कि राइस ऑयल में अगर मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा टम्बल आता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा आप बाजारों में यहाँ से आपको एक अच्छी रिकवरी भी बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। तो बाजारों में ऑलरेडी आपको बताया कि बाजारों में जो भी आपको खरीदारी करनी है, लॉन्ग टर्म की खरीदारी करनी है, 83 से 84 का लेवल बेस्ट लेवल है। 84 85 मिल जाए, 83 टू 85 की एक रेंज नोट कर लीजिए। उसके रेंज में बाजार में अगर मिलता है, वहां से राइस ऑयल में आप खरीदारी करिए, तो बाजारों में यहां से रिकवरी भी आपको 92 93 94 रुपए लेवल के तक आसपास तक बाजारों में आपको दिखाई देकर चल सकती है। सोया ऑयल में ज्यादा तेजी नहीं है, क्योंकि सोया ऑयल के लेवल पे आप देख रहे हैं कि सरसों ऑयल भी है, सनफ्लावर ऑयल भी है, तो सोया ऑयल में उतनी ज्यादा तेजी के आसार नहीं है, लेकिन हल्की सी बाजारों में एक रिकवरी आ सकती है। लेकिन अभी जो फिलहाल मार्केट का जो सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है, सोया ऑयल में आप यहां से भी 2 से 3 रुपए बाजारों में गिरावट देख के चल सकते हैं। लगातार आप देख रहे हैं विदेशी बाजारों से, ग्लोबल बाजारों से बहुत खराब संकेत आ रहे हैं। ग्लोबल बाजारों में आप देखेंगे, जबकि ब्राजील की फसल वगैरह जो थी वो कम थी, लेकिन अमेरिका में डाउ जोन्स, जो अमेरिका का जो सेंसेक्स है, लगातार बाजार में आप देख रहे हैं कि बीते 7 से 8 दिनों में लगातार गिरावट आ रही है। वहां पर जो फॉरेन बैंक दिवालिया हुआ, उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और आपने देखा है कल भारतीय शेयर बाजारों में भी एक जबरदस्त गिरावट देखी गई। भारतीय बाजारों में अगर निफ्टी की बात करी जाए तो 17,000 के नीचे निफ्टी में ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में भी जोरदार गिरावट बाजारों में देखी जा रही है, 39,000 रुपए के नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड हो रहा है। तो बाजारों में आप सारी ग्लोबल सिनारियो को आप अगर देखेंगे तो बाजारों में ऊपरी स्तर से प्रेशर है, बाजारों में एक अच्छा मौका है। खाद तेल बाजारों में गिरावट पे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड सेलिंग नहीं करना है, जो लोग होल्डिंग कर सकते हैं वो लोग गिरावट पे खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। निचले स्तर से आप लोग कोशिश करिए, वेट एंड वॉच करिए। बाजारों में लेवल हमने आपको दे दिए। सोया ऑयल आपको खरीदना है 3 से 4 रुपए लोकल मार्केट के आसपास आता है, वहां पर लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी जो कांडला पोर्ट का भाव है 101 रुपए, ऑलरेडी बाजारों में भाव ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप देखेंगे सरसों ऑयल में भी आप देखेंगे 105 से 6 रुपए का भाव हो गया है। सरसों ऑयल में भी आपको खरीदारी करनी है, 102 से 3 रुपए का लेवल सरसों ऑयल में भी बेस्ट है। सरसों सीड में जो, जैसे कि हमने आपको बताया कि एमएसपी जो निर्धारित करी गई है, तो सरसों सीड में अगर आपको 200 से 300 रुपए करेक्शन आता है तो लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से सरसों सीड में आप खरीदारी कर सकते हैं।
इसी तरीके सोयाबीन सीड 5100 रुपए की रेंज में आप खरीदारी करिए, 5100 रुपए की रेंज अच्छी रेंज है, यहां से आपको अप्रैल मंथ में बाजारों में एक अच्छी रिकवरी बाजारों में दिखाई देगी। फिलहाल मार्च का मंथ सिमटता हुआ नजर आ रहा, आधा छुट्टियों में व्यतीत हो गया, तो उसका इंपैक्ट भी बाजारों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको बता दिया किस तरीके से मस्टर्ड सीड, खाद तेल बाजारों में, सोया ऑयल, पामोलिन में कामकाज करना है। जो लोग सनफ्लावर ऑयल में काम करते हैं, सनफ्लावर ऑयल में भी 1080 से 90 का लेवल अच्छा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। कॉटन रिफाइंड ऑलरेडी अपने न्यूनतम स्तर पर चल रहा है, 940 रुपए से 50 रुपए से कई जगह 940 रुपए 970 रुपए की रेंज है, तो बाजारों में अच्छे लेवल है, यहां पर आप उसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन खरीदारी करिए होल्डिंग कैपेसिटी हो, आप उसको बाजार को होल्ड कर सकें कि नहीं सर आज खरीदा और अट्रेंडम कोई चीज बढ़ जाएगी, तो उस तरीके का माहौल फिलहाल नहीं है मार्केट में। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट को देखा जाएगा तो केएलसी एक दिन प्लस होती है, एक दिन माइनस हो जाती है। सीबॉट में आप देखेंगे कल केएलसी में आपने देखा कि केएलसी में एक मामूली बढ़त के साथ बाजारों में बाजार जो बंद हुआ 59 रिंगिट के साथ बाजार में केएलसी का बाजार बंद हुआ। और जो आपने देखा कि बाजार में सीबॉट में अगर इवनिंग सेशन में देखेंगे सीबॉट पे जोरदार गिरावट के साथ लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ सीबॉट पे कामकाज इवनिंग सेशन में रहा, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में डाउजोस टूटा हुआ है तो उसका इंपैक्ट अमेरिकी बाजारों का घरेलू बाजारों में साफ साफ पड़ना बिल्कुल तय है। तो बाजारों में करेक्शन आता है, लेबल आपको दे दिया, उसके लेबल के हिसाब से आपको खरीदारी करनी है। लॉन्ग टर्म का व्यू अगर बना रहे हैं, बल्क में बाइंग का व्यू बना रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी थोड़ी थोड़ी बल्क में बाइंग अगर आपको 100% करनी है तो 25% 50% वहां से आप शुरुआत करके चल सकते हैं। बहुत ज्यादा फिलहाल हमारे तरफ से बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में सेलिंग करने का कोई अनुमान बाजारों में नहीं देखा जा रहा, और खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने एडवाइजर ट्रेडर ब्रोकर से सलाह जरूर लीजिएगा, उसके बाद ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से धनिया बाजारों में, मक्के में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। नेगरी कमोडिटी में मक्के का बाजार स्थिर बना हुआ है, मक्के में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। अगर हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ऊपरी रेंज में आपको 7200 रुपये तक की रेंज दिखाई देकर चल सकती है। जीरा में ऑलरेडी 32000 का लेवल है, वहाँ पर आप मुनाफा वसूली करिए। इसी तरीके ग्वार गम में अगर बात करेंगे तो ग्वार गम में 11700 रुपये का लेवल चल रहा है, 11500 रुपये के सपोर्ट के साथ आप खरीदारी पे बन खरीदारी कर सकते हैं। ग्वार सीड 5500 रुपये के सपोर्ट के साथ करिए, ऊपर में आपको 6000 रुपये तक के लेवल दिखाई देंगे। बिनौला खल 2500 रुपये का स्ट्रॉन्ग लेवल है, 2500 रुपये के सपोर्ट के साथ आप खरीदारी पे बने रह सकते हैं। धनिया भी आप 6800 से आप 7000 की रेंज में बाजारों में कामकाज आज के बाजारों में आपको होता हुआ नजर आएगा। तो ये खाद तेल बाजारों की संबंधित जानकारी दे दी। अब गेहूं के बाजार के बारे में बता देते हैं, गेहूं के बाजार में आपको क्या करना चाहिए। गेहूं के बाजार में भी आप यहां से आप हल्की फुल्की खरीदारी कर सकते हैं, बाजार ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो गया है, तो बाजारों में एक शॉर्ट कवरिंग टाइप की बाजारों में दिखाई दे रही, तो गेहूं में आप खरीदारी कर सकते हैं। गेहूं में आप बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गिरावट के आसार नहीं है, आप गेहूं के हिसाब से मैदा में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, आप आटे में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये आपको जानकारी दे दी गेहूं बाजार की। सुगर बाजार में आपको ऑलरेडी बताया था 30 से 50 रुपए की तेजी है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी फिलहाल तेजी के आसार नहीं देखे जा रहे हैं। तो सारा एग्री कमोडिटी के बारे में आपको बता दिया। चलिए एग्री कमोडिटी के बाद पल्सेस में भी बता देते हैं। चने के में आप परचेस करके चल सकते हैं, अप्रैल मंथ तक आपको 200 से 300 रुपए की बाजारों में तेजी दिखाई देकर चल सकती है। मसूर में भी बाजारों में अच्छी बाजार दिखाई दे रहे हैं, आपको 100 से 150 रुपए की तेजी दिख सकती है। मूंग में भी बाजारों में अच्छे बाजार दिखाई दे रहे हैं, पूरा दलहन सेक्टर अगर मूंग मसूर की बात करेंगे तो दलहन सेक्टर अच्छा दिखाई दे रहा है। अरहर में भी एक अच्छी बाजारों में एक रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। तो बाजारों में आप कोशिश करिए कि बाजार वेट एंड वॉच करिए, गिरावट पे बाजारों में खरीदारी करने की कोशिश करिए। बाजारों में एक दलहन बाजार जो आपने देखा लास्ट 3 ईयर से बाजार बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो बाजारों में एक अच्छा रिकवरी आने की संभावना बाजारों में नजर आ रही है, तो दलहन बाजार में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सारा एग्री कमोडिटी के बारे में आपको बता दिया, मूंग मसूर तुअर चने में किस तरीके से कामकाज करना है, लॉन्ग टर्म का व्यू भी आपको बता दिया। चलिए बात करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन हो एनएम व्यू पे और जो आपको लिंक दिया हुआ है उसके द्वारा आप वहां पर आप चैट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉरी चलिए बात करेंगे, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, एक पार्ट अब खत्म हो गया, अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। लोहा बाजार में क्या करना चाहिए, लोहा बाजार में भी आप देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट बाजारों में देखी जा रही है उसका असर अगर ग्लोबल मंदा होता है तो बाजारों में देखा जाता है। लगातार आप देख रहे हैं कि आप जो स्टेनलेस स्टील, टाटा स्टील के सब सारे शेयरों में भी भारी बिकवाली देखी गई है, उसका इंपैक्ट बाजारों में आपने देखा कि लोकल बाजारों में भी आपने देखा कि कल बाजार जो रहा 49000 रुपये हो गया, 400 रुपये की गिरावट देखी गई। लेबल आपको दिया हुआ 48500 रुपए के आसपास बाजार कहीं आता है, एक रॉक सपोर्ट है, इस हफ्ते का सपोर्ट फिलहाल है 48500 रुपए के आसपास से आप सपोर्ट से आप खरीदारी करिए। बहुत ज्यादा अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीक में आपको बाजारों में यहां से आपको रिकवरी भी बाजारों में दिखाई देगी। इसी तरीके पुराने लोहे में आपको खरीदारी करनी है 37500 रुपए के सपोर्ट के साथ करिए। सरिया में खरीदारी करनी है तो 53000
53,000 के लेवल के हिसाब से आप सरिया में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आप देख के चल सकते हैं कि जो आप लोगों को मार्केट का एक आउटलुक आपको काका बता दिया किस तरीके से बाजारों में कामकाज लोहे बाजार में करना है। तो लोहे बाजार में एक रेंज बाउंड, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था, बाजार में एक छोटी रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में वेट एंड वॉच करिए, गिरावट आती है गिरावट का इंतजार करिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। गिरावट अगर आती है वहां पर आप खरीदारी करिए। आगे आने वाले समय में बाजारों में, जैसे कि ऑलरेडी अभी बताया, 22 तारीख को एक अमेरिका में बड़ी फेड की मीटिंग है, उसके बाद बाजारों का सेंटीमेंट सुधरेगा और 22 तारीख के बाद बाजारों में आपको एक बार से फिर से बाजारों में एक अच्छी रिकवरी बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है। इसके साथ ही एंगल पाइप गार्टर चैनल में भी आप गिरावट पर आप खरीदारी का मन बना सकते हैं। जो लोग होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर होल्डिंग करने की आपके पास कैपेसिटी है तो अप्रैल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। जिन लोगों ने सरिया रायपुर दुर्गापुर अगर खरीद के रखा है तो उनको होल्डिंग कैपेसिटी आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को बाजारों में एक अच्छी बाजारों में आपको एक रिकवरी बाजारों में दिखाई देगी। मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट सही है, लेकिन ग्लोबल अस्थिरता को देखते हुए बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन स्वाभाविक है, वो बाजारों में देखा जा रहा है। घरेलू बाजारों में भी आप देख रहे हैं कि लगातार स्क्रैप का और इंगट का कन्वर्जन रेट जो 10,000 था सीधे सीधे धीरे धीरे बढ़ता हुआ 11,000 रुपए हो गया है। तो कन्वर्जन रेट जो बढ़ गया है, उस वजह से स्क्रैप के भाव में भी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बाजारों में स्क्रैप के भाव में तेजी आती हुई नजर नहीं आ रही। तो लंबी चौड़ी फिलहाल तेजी के आसार नहीं है, बाजार एक छोटी रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आएगा, बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, एक तरफा तेजी और एक तरफा गिरावट के आसार बाजारों में नहीं है। बाजारों में समस्या होती है कि 500 रुपए घट गया तो लोग परेशान हो जाते हैं कि 500 रुपए घट गया, 500 रुपए बढ़ गया तो लोग तुरंत पैनिक हो जाते हैं। तो बाजारों में इसी तरीके से अभी मार्केट का जो सेंटीमेंट चल रहा है, सेंटीमेंट के हिसाब से बाजारों में आपको कामकाज करना पड़ेगा। मार्केट का सेंटीमेंट ऑलरेडी आपको बताया, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, बाजारों का जो सेंटीमेंट है अब बाजारों में वेट करिए, खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। बाजार में करेक्शन आता है वहां से खरीदारी करेंगे तो एक अच्छी आपको रिकवरी हो। खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने एडवाइजर ट्रेडर ब्रोकर से सलाह जरूर लीजिए। चलिए बात करेंगे अब मेटल बाजार में क्या स्थिति है। मेटल बाजार में आप देखेंगे कल जो ग्लोबल अस्थिरता आपने देखा, जो अमेरिका में गिरावट आई उसका असर मेटल बाजार में देखने के लिए मिल रहा है। कॉपर का बाजार 754 रुपए के आसपास कामकाज हो रहा है, एल्युमिनियम 204 रुपए, लेड का बाजार 182 रुपए, जिंक का बाजार 257 रुपए के आसपास कामकाज हुआ है, निकल के बाजारों में भी 1940 के आसपास फिजिकल में कामकाज हो रहा है। जबकि सोने चांदी में जोरदार तेजी देखी गई है। सोने चांदी में हमेशा तेजी इसलिए देखी जाती है, जब ग्लोबल अस्थिरता होती है तो सारा पैसा जो लोग निकालते हैं वो सोने चांदी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप उनका शेयर बाजार का पैसा निकलता है तो सारा पैसा सोने चांदी में इन्वेस्ट होता है। इसी की वजह से आपने देखा सोने में जोरदार तेजी देखी गई, सोने का भाव 58,400 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज हुआ। तो निचले स्तर से जो लोग खरीदारी करके आए ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट जरूर बुक करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। इसी तरीके चांदी में जोरदार तेजी देखी जा रही है, 67,340 रुपए, कल भी जिन लोगों को ऑलरेडी हमने 66,000 रुपए के सपोर्ट के साथ और ऑलरेडी 55,000 आप लोगों को 56,000 रुपए के सपोर्ट के साथ सोने में खरीदारी की सलाह दी थी, बाजार में लेवल ऊपर मिल रहे हैं, ऊपरी स्तर पर जाइए, मुनाफा वसूली जरूर करिए, समय समय पर ऊपर में प्रॉफिट जरूर कैलकुलेट करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। और बाजारों में वेट एंड वॉच करिए, लॉन्ग टर्म का फिलहाल व्यू नहीं है क्योंकि मार्केट में ग्लोबल अस्थिरता चल रही है तो बाजारों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और प्रॉफिट मौके पर जरूर बुक करते हुए चलें। मेटल बाजार में गिरावट आती है, गिरावट पर अच्छा मौका मिलेगा, गिरावट पर फिर खरीदारी करिए। लॉन्ग टर्म के व्यू में अभी फिलहाल मार्केट में अगर ग्लोबल अस्थिरता को देखा जाए तो लंबी चौड़ी फिलहाल तेजी के आसार बिल्कुल भी नहीं है, तो बाजारों को वेट एंड वॉच करके बाजारों में कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो सारी जानकारी आपको मेटल बाजार के बारे में भी दे दी है, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे यहां पर आप लोगों को चैट पे ही ऑलरेडी जवाब आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा। तो सारी जानकारी खातिर बाजारों में मार्केट का जो ट्रेंड देखा जा रहा है ग्लोबल अस्थिरता को देखते हुए लेवल आपको बता दिए, वेट एंड वॉच करिए, बाजार में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, गिरावट पे आप अपने हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं और लोहे बाजार में अगर करेक्शन आता है गिरावट पर खरीदारी करिए, मेटल बाजार में ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली जरूर करिए, लेड के बाजार में आपको और भी गिरावट बाजारों में LIBT के भाव में बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है, तो लेड में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके आप लोग कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करिए। मेटल में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आ सकती है तो वेट एंड वॉच करिए, बाजारों में करेक्शन आता है करेक्शन के आसपास बाजारों में खरीद सकते हैं। MCX में 740 रुपए तक के भाव भी आपको दिखाई देकर कापर में चल सकते हैं। तो सारी जानकारी दे दी। एल्युमिनियम पुर्जा में अगर देखेंगे, एल्युमिनियम पुर्जा में स्थिरता है, एल्युमिनियम पुर्जे में बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी के आसार नहीं देखी जा रही। तो सारी जानकारी आपको दे दी, इसी तरीके की जानकारी रोजाना आप हमारे साथ जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन 9:30 लाइव में आप जुड़ सकते हैं
और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। एक नया आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, एक आप लोगों को एडबिल जो खाद तेल संबंधित के लिए एक नया चैनल बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी जाके आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए ए बी लाइव का ऐप है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। रेट्स के लिए पेड ऐप है, चार्जेस उसका लगेगा, आप उसका डेमो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से, तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।